हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओमशिव है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने एक माउस बना रखा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे घूमता भी है, और ये बड़ा ही छोटा स्मॉल साइज का माउस है। तो मैं अब आपको पहले इसको दिखा देता हूँ कि ये पहले मूव कैसे करता है, फिर तो मैं आपको इसको बना कर दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको लगा, इसको मूव करने के लिए इसको मूव करने के लिए मैंने ये ऐसे वाले लगा रखे हैं ताकि ऐसे मूव कर सके, और दोनों साइड पर है ताकि ऐसे ऐसे मूव कर सके। यहाँ पर मैंने ऐसे गैप बना रखे हैं ताकि ये ऐसे फिट हो जाए। तो इस माउस को बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ ऐसे दो लेयर बनानी है। यहाँ पर ऐसे गैप छोड़ देना है, यहाँ पर ऐसे डार्क लगा देना है पीस, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लैडर वाला डिज़ाइन है। तो आपको पहले ऐसे पहली लेयर लगानी है, फिर आगे की जगह दूसरी लेयर बनानी है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 इधर जी ये जो चार गैप्स हैं यहाँ पर गैप बना रहे ताकि इसको यहाँ पर हम लगा सकें। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये वाले पीसेस लेने, जो कि आप देख सकते हैं, और इसको आपको यहाँ पर लगाना है। ये सारे पीसेस आपको ऐसे लाइन वाइज लगाने हैं। यहाँ पर हमने पहली लेयर लगा दी, फिर इसके ऊपर की बजाय आपको इसको वन गैप देकर इधर लगाने ताकि ये ऐसे दिखे। फिर दूसरी लेयर कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा ऐसी एक गैप छोड़ना है और फिर इसको यहाँ पर लगाना है। तो ये होने के बाद इसकी ऐसी ग्रिप बन जाएगी ताकि हम इसको पकड़ सके। तो अब मैं आपको ऐसे कीबोर्ड्स बनाकर दिखाता हूँ। व्हील बनाने के लिए आपको ऐसे ये दो चाहिए होंगे, जो कि आप देख सकते हैं, और आपको ये चाहिए होगा। फिर आपको इन दोनों को लेकर ऐसे इसको इन दोनों की जगह ऐसे करना है, और यहाँ पर ऐसे माउस के लिए इधर ऐसे डाल देना है। इसके होने के बाद आपको ये वाला बनाना है, जो कि आप देख सकते हैं। पहले आपको एक 3x3 पीस लेना है, जो कि आप देख सकते हैं, फिर उसके ऊपर एक स्मूथ ब्लॉक लगाना है। फिर आपको ऐसे ये वाला लेना है, जो कि 3 साइज का है। फिर आपको एक और ऐसे ऊपर लगाना है, फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर देना तो ये ऐसे दिखेगा। दूसरा वाला भी आपको ऐसे ही सेम बनाना है, जो कि मैंने पहले दिखाया था। आपको 3x3 लेना है, इसको यहाँ पर लगाना है, पीस लेना है आपको, ये 3 वाला है, इसके ऊपर पीस लगाकर आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो ये बन गया। इसके सेंटर के लिए आपको 2x2 लेना है और इसके ऊपर ऐसे लगाना है। तो अब हम इनको लगाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमने बनाया था। हमको इसको इधर लगाना है और हमें इसको इधर लगाना है, तो फिर ये ऐसे दिखेगा। ये होने के बाद आपको ये लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा माउस बन गया है। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।